टी न्यूज ताजा खबरों के लिए करें सब्सक्राइब। खबरों करते हैं बड़ी खबर की ओर। भिवंडी शहर पुलिस ने नकली नोट के व्यापार कर रहे गिरोह का पर्दाफाश किया है। जानकारी के अनुसार अवगत के सीनियर किया ने जानकारी देते हुए बताया है कि कर्ज में डूबने के वजह से यह युवक घर में नोट छापा करता था और उसे चलाने की कोशिश किया करता था। जानकारी के अनुसार अवगत है कि तीन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। बड़े में रहने वाले अखला कांसारी करके हैं, उनके वो लोगों के ज़्यादा पैसे देने वाले हैं। लोग उनके जब पीछे लगे कि मेरा पैसा वापस दो, उसी टाइम उनको थोड़ा उनको ध्यान में ऐसा आ गया कि उसका एक दोस्त है, उसके पास रंगीत जेरोक्स मशीन है। वो कलर जेरोक्स मशीन रिपेयरिंग के लिए लेके आए और उसी जेरोक्स मशीन पर उन्होंने 2000 नोट की जेरोक्स निकाली। वो जेरोक्स सही नोट जैसी दिख रही थी, इसलिए उन्होंने मार्केट से अच्छा कागज लेके 116 नोट का जेरोक्स निकाला 2000 रुपये का। और वो नोट उन्होंने जो के बाजू में रहने वाला लड़का है उसके दिया, उसने वो दूसरे लड़के को दिया। दूसरा लड़का वो जाके 2000 नोट से स्वेटर खरीदी करने लगा था, तब स्वेटर बेचने वाले को मालूम हुआ कि ये नोट सही नहीं है, इसलिए उसने उसको बताया कि ये नोट सही नहीं, दूसरा नोट दे दो। दूसरी नोट दिया, वो भी वैसी ही थी। उसको लगा ये दोनों नोट झूठी है, इसलिए उन्होंने पुलिस को इत्तला किया। पुलिस वहाँ जाने के बाद उसके कब्जे में लिया। उसकी पूछताछ करने के बाद आगे दो लोगों को गिरफ्तारी हुई। दोनों लोगों के लेके अकला कांसारे घर जाके जब उसका हाउस सर्च हुआ तो उसके घर में 10 रुपये की, 20 रुपये की, 50, 100 और 500 और 2000 के नोट मिले। पूरा नोट का ये वैल्यू है 2,45,000 का। वो उसके घर में जो मिला वो सब झूठा है, इसलिए उनके खिलाफ गुनाह दर्ज करके उनको अरेस्ट किया। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई सर? तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें।